हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शशांक, इस चैनल का होस्ट, और यहां पे हम करते हैं कोडेड वर्ड्स को डिकोड। और आज जिसको हम सुनने वाले हैं वो है अनदर नेपोप आर्टिस्ट, जिसको हम यहां पे पहली बार सुनेंगे। हिज नेम इज योडा, और इट कैन बी प्रोनाउंस लाइक योद्धा, सो इट्स लाइक साउंड्स लाइक योद्धा, सो इट्स योडा एंड योद्धा, सो बेसिकली योद्धा। सो योद्धा गोपे विद इंग्लिश सब्स, एंड द इंग्लिश सब्स इज प्रोवाइडेड बाय अ गर्ल जिसका एक यूट्यूब चैनल है, उसका यूट्यूब चैनल जाके सब्सक्राइब करो। She is doing good job, और English subs मैं वेट कर रहा था ब्रो translations के लिए, योद्धा के लिए, वरना मैं कर देता कब का। So we have translations and I will provide her YouTube link and Instagram link. So go follow her on Instagram and for subscribe her on YouTube. So let's check this out, और ये वाला गाना check करते हैं ब्रो। आ जाओ बिना किसी देरी के इस गाने की भाई। अरे बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी, एंड तुम्हारी बहुत सारी रिक्वेस्ट है मेरे पास भाई, मैंने लिस्ट में ऐड कर ली है सारी, एक एक करके सारी कंप्लीट कर दूंगा। बस बार बार कमेंट मत क्या करो कि भाई मेरा रिएक्ट, मेरा कमेंट करते आप, मेरे रिक्वेस्ट को नहीं करते, मेरे रिक्वेस्ट को नहीं करते ब्रो। बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है मुझे, DHH और नेपॉप दोनों कवर करना होता है। सो हम करेंगे भाई, सब करेंगे, बस धीरे धीरे, ठीक है। सो लेट्स गो एंड चेक दिस आउट। आ जाओ भाई बिना किसी देरी के, 1, 2 and 3, लेट्स गो। See, the name of the girl is Rasu Shrestha. So follow her on Instagram और subscribe कर देना YouTube पे, मैं link दे दूंगा। और okay, so these are the भाई लड़की ने full तगड़े वाले subscriber, वो तगड़ा ही translation बनाया, पूरा एक अलग से video ही बना दिया है। Shout out to the girl. आ जाओ भाई आ जाओ। ड्रॉप इज सो हार्ड, बट मैंने ध्यान नहीं दिया, हम बह गए थे। चलो लेट्स गो। सो गोपे मीनिंग बेसिकली सीक्रेट, ओके। सो गोपे सीक्रेट, सीक्रेट गोपे, ओके। इंडिया में अगर सीक्रेट होता तो गुप्त, उसको गुप्त बोला जाता है, तो बेसिकली इट्स गुप्त गोपे, गुप्त गोपे, 2-3% सिमिलर साउंड कर रहा है गुप्त गोपे। सो या सीक्रेट गोपे, ओके। सो सो ही सेड के आई ऑल्सो वॉन्ट फेम, बट आई ऑल्सो वॉन्ट फ्रीडम। अगर तुम्हारे पास फेम मिल जाता है, अगर तुम सेलिब्रिटी बन जाते हो, तो तुम्हारे पास उतनी फ्रीडम्स नहीं होती कि तुम बाहर ऐसे ही मस्त घूम रहे हो, जो मर्जी आ रहा है वो करो, नहीं कर सकते ब्रो। कुछ लाइन बॉर्डर बन जाती है तुम्हारे चारों ओर कि तुम इतना ही कर पाओगे, कहीं बाहर जाओगे, किसी शो में जाओगे तो इतना ही बोल पाओगे, जितना बोलना चाहते हो, जो तुम करना चाहते हो वो नहीं कर पाओगे। ये डिसाइड हर चीज़ में, देखो हर चीज़ में डिसएडवांटेज और एडवांटेज होते हैं। अगर तुम्हें कोई चीज़ चाहिए तुम्हें उसका एडवांटेज मिलेगा, लेकिन उसका साथ में डिसएडवांटेज भी आएगा ब्रो, इट्स नेचुरल। तो अभी तक मैं जितना सुन रहा हूँ मुझे ये समझ में आ रहा है, इट्स लाइक सीक्रेट बेसिकली। लोग इसको अब जाने, हर एक आर्टिस्ट का जो होता है बेसिकली, कि जो पीछे मेहनत करके आया है, जो आज गाड़ियों में घूम रहा है, वो भाई कल उस पर गाड़ियाँ नहीं थी,
बहुत सारी चीजें डिस्कस करी हैं इसमें, मैंने बहुत कुछ, हसल बेसिकली किसी को दिखाई नहीं देती है, वो सीक्रेट रह जाती है बेसिकली, ऐसा कुछ बोल रहा है भाई अपना योद्धा। लेट्स गो लेट्स गो, दोबारा से थोड़ा सा पीछे जाते हैं, आ जाओ। I have no job, responsibility, car, burden, pocket empty, love was fake, kharab pani, bad habit. Very sad right now. Okay, so he's talking about that Sangeet is everything for him. Music, writing music is my job. Without music, how do I make progress? What? Without music, I am just a rising sun. Without music, I am just a rising sun. Without, he's talking about his music. I'm nothing without my music. है ना? Last line he said, without my music, how can I make progress? Okay. So now he's saying, without music, I am just a rising sun. संगीत बिना माहो झुलकिए को घाम. Is that right? Without music, I am just a rising sun. मेरे को समझ में नहीं आया भाई ये बार. कमेंट में बताओ संगीत बिना मोह झुलकिए को घाम तोरो संगीत सोंगो योद्धा मेरो नाम मेरो आस के ओ खास तिरु नास सब नास जीते भरी ले छु मैले पसता पसता ए अस्को पसता हाँ चल्छ पोखरामा घर छ मलाई के को डर छ सबै कुरा गोपे मनामी उना पोस्ते स्वतन्त्र नि रोस्ते मनो चाहिदो बोल्छे इस बंदे की चेहरे पे बिल्कुल ये आवाज सूट नहीं कर रही है मेरे को, ऐसा दिखा लेगा इस बंदे की शक्ल देखो, इज लाइक अ क्यूट टाइप ऑफ है ना, तो उसकी आवाज काफी हार्ड और हैवी हिटेड वोकल्स है इसके। Lots of secret words, but also secretive. Okay, without fame. There we go. तो इसका प्री कोरस आता है।
ये क्या भाई, डू यू सब्सक्राइब टू बाबा रिएक्ट्स? यस, आई हैड ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड बाबा रिएक्ट्स। ओके ओके ओके, सो मैंने जैसा एक्सपेक्ट किया था गाना वैसा नहीं था। ऐसा नहीं है कि मैं मैंने एक्सपेक्ट कम ज़्यादा किया था, ऐसा नहीं। साउंड मैंने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था, ऐसा साउंड एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि बहुत लोग मेरे को बोलते थे योडा इज अ हार्डकोर रैपर टाइप ऑफ रैपर, समझ रहे हो, हार्डकोर वाला। बट इट्स काइंड ऑफ अ लिटल बिट मेलोडी, और ही इज प्लेइंग विद हल्का हल्का मेलोडिक वाइब दे रहा था गाना, और बहुत ही हार्ड हिटिंग ड्रॉप किक के साथ था, एंड जो वोकल्स है बहुत ही टाइटली मिक्स थे बीट के साथ, जो बहुत ही अच्छा साउंड कर रहे थे। बेसिकली द सॉन्ग वॉज गुड भाई, इसको कार में जब बजाओगे ना तुम फुल बेस के साथ, हिला देगा भाई कार को पूरा। या मेरे को समझ में आया है कि इस पे इतने व्यूज क्यों हैं एंड व्हाई यू आर रिक्वेस्टेड अलॉट, गोपे करो। या वी हैव डन लाइक, सो आई डू लाइक द सॉन्ग। अब कभी कभी अगर मेरा वैसा मूड बनेगा तो आई विल लिसन टू दिस, और तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है, यू हैव टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो, और बताओ मुझे, यहाँ मत बताना भाई मेरे, यहाँ पे मत बताना, इंस्टाग्राम पे बताओ मुझे जो भी तुम्हें रिक्वेस्ट करनी है। मैं अब YouTube कमेंट्स नहीं देख पाता भाई, बहुत सारे कमेंट्स हो जाते हैं कभी कभार, तो मिस हो जाते हैं बहुत सारे, तो प्लीज़ जाके मुझे Instagram पे फॉलो करके वहाँ पे रिक्वेस्ट कर दो, मैं वहाँ पे फटाक से रिप्लाई कर देता हूँ और लिस्ट में भी ऐड कर लूँगा। सो अभी के लिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय एंड सी यू। और अब पता नहीं नेक्स्ट वीडियो कौन सा होगा, तुम्हारी रिक्वेस्ट होगी कोई सी, सो लेट्स गो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।